बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी वीडियो को देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं अप्रैल फूल लोगों से मजाक करने का दिन है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अप्रैल फूल किसी एक शख्स से नहीं बल्कि पूरी कौम को बेवकूफ बनाया गया और इसे बकायदा रेडियो से नशर किया गया। मगर इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। नंबर वन, 1992 में यूएसए के नेशनल पब्लिक रेडियो से रिचर्ड निक्सन की आवाज में एक खबर नशर की गई कि वो दोबारा सदारती इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। हालांकि रिचर्ड निक्सन ने 20 साल पहले वाटरगेट स्कैंडल की वजह से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उस दिन रिचर्ड निक्सन अपने सुनने वालों को बता रहे थे कि उनकी इंतखाबी मुहिम का नारा होगा, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया और ना मैं आइंदा करूंगा। बहुत सारे लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया कि रिचर्ड निक्सन दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन शो के खत्म होने के बाद मशहूर कॉमेडियन रिच लिटल ने लोगों को बताया ये सिर्फ अप्रैल फूल था। इस तरह पूरी अमरीकी कौम रिचर्ड निक्सन के अप्रैल फूल का निशाना बनी। फ्रेंड्स, आप में से किसी ने ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को अप्रैल फूल बनाया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर टू, 200 जापान में फौज के रेडियो स्टेशन WVTR पर 1947 की शाम को दो नशरियाती अदारों की जानिब से ये खबर नशर की गई कि समुद्र के अंदर से एक बहुत बड़ा दरिंदा निकला है और शहर की तरफ आ रहा है। इस खबर के साथ फायरिंग, तोप के गोले और मौका पर मौजूद लोगों की ऑडियो भी नशर की जा रही। पहली खबर में बताया गया माहीगीरों की कुछ कश्तियां लापता हो गई हैं। फिर बताया गया माहीगीरों का पूरा गांव तबाह हो गया। उसके बाद बताया गया ये समुद्री अफरियत शहर की तरफ बढ़ रहा है और साहल पर मसल्ला फौज तोपों के साथ तैनात कर दी गई है, क्योंकि बंदूकें इस दरिंदे का कुछ नहीं काट सकी। इस खबर के साथ रेडियो से दरिंदे की खून आलूद चीखें, दाड़े और खौफजदा लोगों की चीखें थी। पूरी जापानी कौम परेशान थी, अब क्या होगा। लेकिन अगले दिन पता चला सिर्फ एक मजाक था, लेकिन सजा के तौर पर ये खबर नशर करने वालों को गायब कर दिया गया। आज तक इनका कुछ पता नहीं चला। ऐसा संगीन मजाक शायद ही पहले किसी ने किया हो। नंबर थ्री, फ्रेंड्स, 2008 में अमेरिकी नेवी ईरान की स्पीड बोट्स पर फायरिंग के लिए बिल्कुल तैयार थी, जब जहाज की नशरियात में खलल पड़ा और अमेरिकी नेवी को धमकी मिली कि इन कश्तियों में धमाका खेज मवाद मौजूद है। ये वाकया खलीज फारस के इंटरनेशनल वाटर में पेश आया। रेडियो पर जो खबर नशर हुई उसका पैगाम था, मैं आपके पास आ रहा हूँ, तुम चंद मिनटों में फट जाओगे। ये खबर फिलिपीनी मंकी के नाम से नशर की गई। इस खबर की वजह से यूएसए और ईरानी नेवी के दरमियान लड़ाई होते होते बची, लेकिन इस फिलिपीनी हैकर और वहाँ काम करने वालों के लिए सिर्फ एक मजाक था। नंबर फोर, फ्रेंड्स, 1940 में यूएसए रेडियो स्टेशन ने एक खबर नशर की। फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट के मुताबिक पूरी दुनिया अगले दिन 3 बजे खत्म हो जाएगी। इस खबर ने हर एक को घबराहट में डाल दिया कि अब क्या होगा। ये खबर आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई। ये खबर सुनने वाला हर आदमी मौत के खौफ से लर्जने लगा। मुतलका इदारों ने इंस्टीट्यूट से राबता करना शुरू कर दिया। हर शख्स ने उस वक्त सुकून का सांस लिया जब इंस्टीट्यूट की जानिब से ये बयान जारी किया गया कि उन्होंने दुनिया की तबाही के बारे में कोई पेशींगोई नहीं की। इस खबर का जिम्मेदार इंस्टीट्यूट का प्रेस एजेंट निकला। असल में वो आने वाले लेक्चर एंड ऑफ द वर्ल्ड के लिए पब्लिसिटी स्टंट तलाश करने की कोशिश कर रहा था। इस खबर के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नंबर फाइव, फ्रेंड्स, 1949 में न्यूजीलैंड के रेडियो से सुबह नाश्ते के वक्त एक खबर नशर की गई। एक चौड़ा बिड़ों का झुंड ऑकलैंड शहर की तरफ आ रहा है, इन बिड़ों के डंग से बचने के लिए तैयार हो जाएं। साथ ही कुछ हदायत जारी की गई, पैंट के नीचे मोजे पहने, लेटना और खामोश रहना, की होल्स को बंद करना ताकि बिड़ घर के अंदर दाखिल ना हो सके, और घर के बाहर जाम से भरे ब्राउन कागज के फंदे लगाना शामिल था। फ्रेंड्स, पूरे शहर में अफरा तफरी फैल गई। पुलिस और दूसरे सरकारी अदारों को धड़ाधड़ काले की गई। इस अप्रैल फूल को खत्म करने के लिए पुलिस को 2 बार रेडियो स्टेशन जाना पड़ा। उस दिन के बाद से अप्रैल फूल से एक दिन पहले रेडियो के ब्रॉडकास्टर को अदारों की तरफ से एक मेल की जाती है कि वो रेडियो पर अप्रैल फूल की वजह से कोई फेक न्यूज शेयर ना करें। फ्रेंड्स, ऐसे अप्रैल फूल ना जाने कितने लोगों के लिए नुकसान और हादसात का सबब बनते हैं, लेकिन इस दिन को मनाने वालों के लिए ये सिर्फ एक मजाक होता है।
फ्रेंड्स, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हैं तो इससे हमें मजीद अच्छी वीडियोस बनाने का मौका मिलता है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।